अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम शाही टुकड़े बना रहे हैं और बहुत मज़े के होंगे। आप लोग रेसिपी देखिएगा, नए तरीके से बना रहे हैं, मुझे खुशी होगी। आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे इसलिए कि मैंने सिलाई छोड़ दी है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए से मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्सक्राइब किया जाए। मैं खाने इसीलिए पका रही हूँ, मुझे इसीलिए चैनल बना के दिया गया है ये किसी ने कि आप इस तरह करें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। ये दूध पक रहा है हमारा 2 किलो और अभी इसमें उबाल नहीं आया है और इसको पकाना भी है, गाढ़ा भी करना है, जब तक हम अपनी डबल रोटी कटिंग कर लेते हैं। चलिए हम डबल रोटी कटिंग करते हैं। अब इनके किनारे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फर्स्ट टाइम कटिंग कर रही हूँ इसलिए। ये डब रोटी हमारी कटिंग हो चुकी है, इसके तो हमने एक हिस्सा काटा है और इसके हमने चारों हिस्से काटे। अब हम तलेंगे इसे। ये देखिए हमने पूरियाँ आई हुई थी हमारे पास ऑर्डर की आज, तो हमने पूरियाँ तली घी में। अब हम वही घी यूज़ कर रहे हैं डब रोटी तलने के लिए। आप लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, मुझे आप लोगों के सब्सक्राइब की ज़रूरत है। मैं 10 दफ़ा आप लोगों से कह चुकी हूँ, मैं पहले सिलाई करती थी, अब मैंने छोड़ दी है इसलिए कि मेरे तक गोला फ्रैक्चर हो गया था, इसकी वजह से। मैं चाहती हूँ आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो जाहिर है किसी की हेल्प हो सकती है। ये हमारे देखें गुलाबी गुलाबी ये तल रहे हैं और इसको अच्छी तरह तल के निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे। ये तल चुके हैं मैंने और इंशाल्लाह और भी तल रहे हैं और बहुत अच्छे बनेंगे, आपको पसंद आएंगे। शाही टुकड़े के कैसे बने हैं हमारे शाही टुकड़े जो हैं हमारे तैयारी की तरफ हैं, बस 2 रह गए हैं, वो तल जाए फिर हम तैयार करते हैं। देखो मेरी डार्क कलर की हमने तली है इंशाल्लाह, और कमेंट में भी बताया करें हमें कि कैसी लगी है आपको ये हमारी शाही टुकड़े। दूध देखें हमारा बॉयल होने लगा है, बुलबुले उठने लग गए हैं इस पर ऊपर आए, इससे पहले हम इसमें चीनी डाल देंगे। ये देखिए ये पक रहा है, ये 1 प्याला चीनी है, ये हम डाल रहे हैं। इसमें बॉयल आ जाए थोड़ा सा कस्टर्ड डाल के और गाढ़ा कर देंगे हम। शाही टुकड़ों में जैसे अक्सर लोग शीरे में डुबो देते हैं, मैंने शीरे में नहीं करा, मैंने चीनी इसी में डाल दी है दूध में आके मिठास के लिए। वनीला का जो है कस्टर्ड डाल रहे हैं ताकि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ये डाल रहे हैं ताकि दूध गाढ़ा हो जाएगा, अच्छा लगेगा। जब तक हम डबल रोटी तलेंगे जब तक दूध पकता रहेगा, हल्की आंच पे कर देते हैं हम इसे। ये देखिए हमारी डबल रोटी तैयार हो चुकी है, हमने इन्हें तल लिए हैं अच्छी तरह, तो कलर देखें कितना प्यारा आया है कलर। अब हम इसको तैयारी पे हैं, अब दूध डालते हैं जो हमने कस्टर्ड थोड़ा सा डाल के बनाया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब डाल रहे हैं हम इसमें
गरम गरम जो हमने दूध पकाया है, ताकि वो सब तरफ डाल रहे हैं हम, इसलिए कि ना वो जब्स हो जाए। देखिए गरम गरम धुआं उठ रहा है और कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इनको ये बादाम और पिस्ते हम डाल रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। देखो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताया करें किस तरह बनी है। अल्लाह हाफिज़।